हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हनी सिंह से। तो हनी सिंह का ब्लू आइस ट्रैक जो है वो अभी 600 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है। तो 598 मिलियन हो चुका है, तो कुछ ही दिनों में ये 600 टच कर देगा। साथ ही अभी टॉप म्यूजिक वीडियोस के लिस्ट में ट्रेंड भी कर रहा है 36 नंबर पे। तो अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का भी एक वीडियो देखने को मिला है लक्ष्य चौधरी के यूट्यूब चैनल पे। तो उनके एक सेगमेंट में बादशाह और हनी सिंह में से एक को चूज करने के लिए कहा गया। बादशाह यो यो हनी सिंह यो यो पाजी पंजाबी या जाट पंजाबी। साथ ही बादशाह की बात हो ही रही है, तो बादशाह के करण औजला के साथ और भी ट्रैक्स आने वाला है। तो अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बादशाह कुछ ऐसा कहता है। Can you make some noise for करण औजला my brother? मेरा और करण भाई के एक दो गाने और आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर ने अपनी करम एल्बम की ट्रैक लिस्ट आउट कर दी है, जिसमें होने वाले 14 ट्रैक्स नेम्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं नैस के बारे में। तो मास अपील से नैस का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है गुलाब और कांटे। इसके अलावा शुभ का नो लव ट्रैक 300 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। साथ ही एडी नागर और पैंथर का सक्षम ट्रैक भी आउट हो चुका है। तो बात कर लेते हैं लोका के बारे में। तो राज जोन्स के साथ में जो लोका का इंटरव्यू आने वाला था वो भी आउट हो चुका है, और इसमें लोका काफी सारी बात करते हैं उनके जेल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होने वाला है, और जब वो अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे उनकी काफी सारी डील्स हो रखी थी लेबल्स के साथ में, लेकिन इस पूरे लीगल केस के कारण उनकी काफी सारी डील्स कैंसिल भी हुई। तो कंप्लीट इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट मेरा किसी आर्टिस्ट से कुछ ज्यादा अच्छा टाइज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं सारे आर्टिस्ट के साथ। कोई मेरा एक पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूं। मैं बिलीव करता हूं कि मेरी खुद की टीम है और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। बट नाउ आई थिंक सब चेंज होगा, क्योंकि अगर चेंज कोई हेट वेट है तो मैं वहां से दूर हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे बीफ्स और इतने सारे रियल लाइफ शिट देख के आऊँ कि आज के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट जो मैं भी करता था एक टाइम पे और जो बहुत सारे रैपर्स करते हैं वो मुझे बहुत फेक लगता है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।